ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि कैंपिंग चेकलिस्ट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कैंपिंग चेकलिस्ट खुला हुआ है, इसी तरह से हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, एक टेबल बना लेना है इस तरह का। जब इस तरह का टेबल बना लेंगे तो उसके अंदर टाइप करना है कैंपिंग चेकलिस्ट, कैंपिंग चेक लिस्ट। जैसे ही करके एंटर करेंगे आप, तो नेक्स्ट लाइन पे आपने ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी टाइप कर लेनी है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिर आप टाइप कर लीजिएगा। ये इस तरह से टाइप हो गया, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। अब उसके बाद इसको प्रॉपर फॉर्मेट करने से पहले हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाके एक और टेबल बनाते हैं। तो नीचे जब आप टेबल बनाने जाएंगे तो ये सारा ब्लैक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, एंटर दबा दें तो न्यू लाइन पे फिर आपको टेबल नज़र आने लग जाएगा। अब इसमें एक दो लाइंस बनानी है, एक दो लाइंस हमने बना दी इसके अंदर, फिर एक इंटर दबा दें और उसके अंदर आपने एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, पांच कॉलम्स बनाने एक रो के अंदर। हाँ, इंसर्ट टेबल, 1 2 3 4 5 कॉलम एक रो के अंदर बनानी। अब उसके बाद क्या करना है कि पहले डिसाइड कर लेंगे फॉन्ट साइज क्या रखेंगे, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो अभी डिसाइड कर लिया हमने फॉन्ट साइज, देखिए इसमें रखा हुआ है 10 का, तो हम भी 10 का यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास फॉन्ट साइज 11 सेट हुआ हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करके 10 पर सेट कर देता हूँ और फॉन्ट एरियल ले लेता हूँ। अभी हमारा एक फॉर्मूला सेट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसके साइज को कम करना है। तो ये मैक्सिमम कम होगा इतना। अब हम कितना रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको रखना चाह रहे हैं इतना। अब ये इतना उतना में साइज का पता नहीं चल रहा, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और इसकी जो विड्थ है 0.5 है, तो एक्चुअल 0.5 कर देते हैं, यानी कि 0.5, एक्चुअल 0.3 कर देते हैं, आई थिंक ये सही है। 0.3 करने के बाद इसकी जो ये वाली विड्थ है उसको थोड़ा सा हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसमें यहाँ पे, और ये मैक्सिमम कम कर देते हैं, और इसको भी कम करके 0.3 कर देते हैं। इसके बाद ये जो वाला हिस्सा है इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको ले जाते हैं यहाँ तक, और उसको इस तरीके से रख देंगे। अब ये साइड बड़ी होगी और ये साइड छोटी होगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और फिर इसको आगे लेकर आते हैं इसके मुताबिक, और फिर इसको मैक्सिमम आगे ले आते हैं। तो अब ये देखें बिल्कुल सेट हो गया है, बस ये एक बनाना है आपने। अब इसके अंदर है चेक बॉक्स का सवाल, तो इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल पे क्लिक करेंगे, मोर सिंबल पर जाएंगे, यहाँ से आपको एक फॉन्ट मिलेगा वेबडिंग्स के नाम से, वेबडिंग्स यह मिलेगा। इसके अंदर आपको एक बड़ा वाला स्क्वायर मिलेगा बॉक्स, और उसको क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इसमें ऐड हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ऐड हुआ हुआ है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, और फिर उसको आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके लेआउट में जाके इसको सेंटर कर देना है। जैसे ही आप सेंटर करेंगे तो ये बॉक्स जो आपका है वो फॉर अराउंड सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फिर ऐसे ही बॉक्स आपको इधर देना है, तो यहाँ क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, सिंबल पे क्लिक करना है, और ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ इसको बनाने का और फास्ट तरीका क्या हो सकता है। इससे भी फास्ट तरीका ये हो सकता है इसको बनाने का, इसको यहाँ से पूरी रो को या ऐसे करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, कैसे, ये इधर आके सेलेक्ट करें, ये टेबल सेलेक्ट हो गया पूरा, कंट्रोल सी और नीचे क्लिक करें कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट हो गया, कितनी जल्दी से बन गया ये, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा आपको बनाने में। तो यहाँ पर देखिए ये आपको 3 रोज चाहिए थी, तो 3 ले लें और बाकी की 3 एक्स्ट्रा आ गई हैं, सेलेक्ट करके डिलीट रो कर दें। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब फार्मूला तैयार हो गया है तो अब आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जाके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये ऊपर चिपक जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसकी रो की हाइट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको तकरीबन 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 कर लेते हैं, और इसको कम करके मिनिमम कर देते, सॉरी 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 कि विड्थ को कम नहीं करना था, आउट ऑफ फिट तो विंडो कर देते हैं, इसकी हाइट को मिनिमम कम कर देते हैं, वही ये रहा, ये कम है लेकिन थोड़ा फर्क नहीं आ रहा। तो थोड़ा ज्यादा फर्क के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज को थोड़ा और कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। फॉन्ट साइज और रो की हाइट इस तरह से होते हैं, जब हम रो की हाइट को कम करते हैं फॉन्ट साइज मैटर करता है तो वो कम नहीं हो रहा होता, जब हम फॉन्ट साइज कम करते हैं तो उसकी हाइट कम हो जाती है। तो इस तरह से इसको कर ले, तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। अब जब ये इस तरह सेट हो गया तो अब बीच का गेप खत्म करने के लिए आप डिलीट का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड से। तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ डिलीट का बटन दबाता हूँ, ये चिपक जाएगा इसके अंदर, सही। अब जब ये चिपक गया इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या लिखना था हमें, शेल्टर एंड बेडिंग,
इसको फिर से सेलेक्ट कर लें और अपर केस में कर लें, फॉन्ट साइज 12 पे कर लें, सेंटर कर दें। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी फॉन्ट साइज 10 का है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अलाइन लेफ्ट की रखनी है, तो इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करें, लेफ्ट अलाइन कर दें, इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करें, लेफ्ट अलाइन कर दें। अब जो भी टाइप करना है इसके अंदर टाइप कर लें, जो भी चीज़ें ये इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब आपके लिए अगला वाला बनाना भी मसला नहीं होना चाहिए, उसकी वजूहत बता रहा हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले को पूरे को कॉपी करना है, इसके नीचे क्लिक करना है। क्या इनके दरमियान में गैप है? लिटिल बिट गैप है, ना होने के बराबर है। तो आप एक इंटर दबाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ये आ गया। सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दें, क्या करना है आपने, कुकिंग एंड डाइनिंग सेलेक्ट कर लें इसको। फॉन्ट साइज भी सेम मिलेगा, हर चीज सेम मिलेगी। अब ये गैप कैसे खत्म होगा, वेरी सिंपल। आप अगर यहाँ पे जाके डिलीट का बटन दबाएंगे, अगर कीबोर्ड से, तो होगा ये कि ये उसके साथ जुड़ जाएगा। हमें जोड़ना तो है नहीं, गैप रखना है थोड़ा सा जी। ये डिलीट है, बैक स्पेस की वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके साथ, यहाँ पे रख के फॉन्ट साइज को कम करें। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ है, इसके लाइन स्पेस को कम करें, उसके बाद रिमूव स्पेस पैराग्राफ कम करें। तो ये देखें, बिल्कुल माइनर सा स्पेस रह गया बीच के दरमियान। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला भी इस तरह से बनेगा, तीसरा वाला भी ऐसे बनेगा। बस कॉपी पेस्ट करते जाना है और यहाँ पे डेटा ऐड करते जाना है इसमें जी। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट ब्लू करते जाएंगे, बल्कि मेरे तो ये बताया ना इसको, आप इसको ऐसे कॉपी करें और इसके नीचे रख के पेस्ट कर दीजिए, ये ज़्यादा आसान। आप डेटा फिल कर दें इसके अंदर और इसको कंप्लीट कर लें अपना। ठीक है, इसको सेट कर लें, इसको सेलेक्ट करके H1 में कन्वर्ट कर लें। बहुत बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा सही नहीं रहेगा। तो क्या करें, थोड़ा फॉन्ट साइज 16 पर रख के सेंटर कर दें, अपर केस में कन्वर्ट कर दें, इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज चलो 11 ही ठीक है, सेंटर अलाइन कर दें। अब एक चीज और जो आपको नोटिस करनी थी वो ये थी कि जो इसके बॉर्डर्स हैं, जब आप प्रिंट पे देख रहे हैं तो देखें आपकी शीट पे बॉर्डर तो आ ही नहीं रहे इस जगह पे, सिर्फ बॉर्डर इन पर आ रहे हैं। ये कैसे होगा? और जब आपने फाइल बनाई, जब उसको प्रिंट करते हुए देख रहे हैं, तो उसमें तो बॉर्डर जो है वो भर भर के आ रहे हैं। इसका तरीका ये होता है कि आप टेबल सेलेक्ट करें और टेबल डिजाइन में जाएं, बॉर्डर्स को कर दें नो बॉर्डर। जैसे ही नो बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, टेबल एग्जिस्ट करेगा। अब कहाँ लाइन देनी है, एक लाइन इसके नीचे देनी है, तो इसको देंगे हम बॉटम बॉर्डर। ठीक है, और कहाँ देनी है, और एक ऊपर देनी है, तो उसको कहेंगे टॉप बॉर्डर। ठीक है, और जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो बिल्कुल उस जैसा नजर आएगा। इसके बाद नीचे वाले में भी यही सीन करना है, सारे टेबल को सेलेक्ट करें पहले, नहीं बॉर्डर तो अप्लाई करने पड़ेगा, नो बॉर्डर। ये शुरू से फिर सेट करके कॉपी पेस्ट करें तो फिर वैसे ही आएगा, नो बॉर्डर। इस पर क्लिक करें, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और ये टॉप बॉर्डर, ये आ गया। अब देखें आपका बिल्कुल लेआउट वैसा बना है। सही, तीसरी चीज, पेपर का कलर कैसे चेंज करेंगे। डिजाइन में जाएं, पेज कलर पे क्लिक करें, कोई भी अच्छा सा कलर इस पे लगा दें, अप्लाई हो जाएगा। सही है, फॉन्ट्स का कलर तो आपको पता ही कैसे चेंज करना है, जैसे इसी से रिलेटेड फॉन्ट का कलर रखना है, तो होम में जाके ये फॉन्ट का कलर, ये सही है, इसके साथ मैच कर रहा है। अब तो बन जाएगा ना।